हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए राकेश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिश एग पकौड़ा। ये बनाना बहुत आसान है और ये जो फिश एग है ये मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। ये मॉनसून रेसिपी है तो ये बारिश के मौसम में बाजार में आपको बहुत आसानी से ये फिश एग मिल जाएगा। और ये पकौड़ा अगर आप एक बार खाओगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि इतना क्रिस्पी और क्रंची होता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये पकौड़ा। ये मछली अंडा बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चाहिए 100 ग्राम के करीब फिश एग यानी कि मछली का अंडा, 4 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा चाहिए, 2 बड़े चम्मच बेसन ले लेंगे, और चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटे चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार यानी कि आधी छोटी चम्मच, 1 बड़े चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। प्याज को भी आप बारीक काटें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने अब ये मछली के अंडे में नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। पहले ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करना है। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च एंड अदरक लहसुन का पेस्ट आपको ऐड करना है। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी बेसन। रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन ऐड किया। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको 10 से 15 मिनट तक ऐसे मिक्स करना है। अब मैं ऐड कर दूंगी चावल का आटा। चावल का आटा देने से पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और ये क्रिस्पीनेस बहुत देर तक रहता है, तो इसलिए चावल का आटा ऐड करें। मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा ऐड किया। अगर आपको और भी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। तो सारे मिक्सचर मैंने बना लिया। अब ये मिश्रण को 30 मिनट के लिए एक साइड में रख दें कवर करके, ताकि ये सेट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने अच्छे से एक सादा कढ़ाई गरम कर लिया और इसमें दे दिया 5-6 बड़े चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, और ये ऑयल को हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम ऑयल को ऐसे मिश्रण में अच्छे से आपको मिक्स करना है, ताकि ये जो पकौड़ा है ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो तेल गरम हो चुका है, तो मैं एक छोटा सा स्पून से ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेके गरम तेल में ड्रॉप करूंगी। एक साथ ज़्यादा पकौड़ा मत दे, लेकिन मेरा जो ये कढ़ाई है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें मैं 8 से 9 पकौड़ा दे सकती हूँ। आपको डीप फ्राई करना है तो आप और भी ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल खाना तब शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको मीडियम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो ये फ्राई होने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और ये जो पकौड़ा है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा चिपकता नहीं है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखिए 5 मिनट बाद पकौड़ा का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो पकौड़ा बनके तैयार है और ये बहुत क्रिस्पी भी बन चुका है। तो मैं एक प्लेट में इसको निकल लिया। अब मैं इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व करूँगी। क्यों हुई ना, बहुत ही सिंपल और आसान सा एक रेसिपी। तो बारिश के सीज़न में अगर आप शाम के नाश्ते के लिए कुछ अलग सा ट्राई करना चाहते हैं तो आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल राकेश किचन को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।